फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू शमास किचन। आज मैं बताऊंगी आपको कि माइक्रोवेव ओवन में आप घी कैसे बना सकते हैं। तो देखिए, ये है मेरे पास 20 दिन की मलाई है, तो मैं इसे ये बोरोसिल के बाउल में ट्रांसफर करूंगी। मलाई को ट्रांसफ़र करने के बाद मैंने इसमें अच्छे से चम्मच चला लिया है, क्योंकि कई बार लम्ब्स भी बने रहते हैं। हम जब मलाई इकट्ठा करते रहते हैं फ्रिज में, तो लम्ब्स भी बन जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसमें अच्छे से चम्मच चला लिया है। अब मैं इसे माइक्रोवेव ओवन में रख दूँगी 10 मिनट्स के लिए माइक्रोवेव मोड। तो मैं इसमें 10 मिनट सेट कर दूँगी और मैं डोर बंद कर दूँगी और मैं स्टार्ट का बटन दबा दूँगी और 5 मिनट्स के ब्रेक में मैं चम्मच चलाती जाऊंगी निकाल के मलाई को। ये 5 मिनट पूरे हो चुके हैं घी को रखे हुए, हम 5 मिनट के इंटरवल्स में चम्मच चलाते रहेंगे। तो चलिए खोल कर देखते हैं। ये देखिए, 5 मिनट में थोड़ा सा हमारा घी तो निकल आया, थोड़ा सा और बाकी है, तो बस हम इसे 5 मिनट और रख देंगे। एक बार चम्मच चला लेंगे। अब इसके बाद 5 मिनट हम और रख देंगे इसे ओवन में। पांच मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट्स और पूरे हो चुके हैं, चलिए खोलकर देखेंगे। देखिए, बिल्कुल घी बनके बिल्कुल तैयार है। तो देखिए, ये घी बनके बिल्कुल तैयार है, ये ठंडा हो गया और जो मलाई थी वो भी अच्छे से पूरी पक्की, अपना घी बन चुका है। तो अब मैं ले लूँगी एक साफ सुथरा कंटेनर, उस पर लगा दूंगी मैं छन्नी और मैं इसे अच्छे से छान लूंगी। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से छान लिया है और ये हमारा घी बनके बिल्कुल तैयार है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल घी बनके तैयार है। मैं इसमें लिड लगा देती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, घी बनके बिल्कुल तैयार है, मैंने लिड लगा दिया है। बिल्कुल इसमें पानी वगैरह कुछ नहीं जाना चाहिए। ये मैंने 15 दिन के मलाई से ये घी बनाया है। तो देखा आपने कैसे हमने 10 मिनट के अंदर माइक्रोवेव ओवन में कैसे बना लिया मलाई से घी। तो अगर आपको ये मेरा DIY अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सर करें सब्सक्राइब। मेरे चैनल का नाम है शमास किचन और इस DIY को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं फिर मिलूंगी एक बहुत अच्छे DIY के साथ बहुत जल्द आपसे। तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए ओके, थैंक यू, बाय।